हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जो भी क्लास टेंथ में बच्चे हैं उनका जो बोर्ड पेपर है वो एक मंथ बचा हुआ है और रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करना, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे उतना आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो मैं लगातार आप लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिविजन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और यूँ ही ये क्वेश्चन नहीं है, तीन से चार सालों में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जो आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। और आपको जो प्रैक्टिस रिवीजन है वो बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूं, तो ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार उस क्वेश्चंस को लगा जरूर लें। इस वीडियो में आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पूरे अच्छे से बताने वाला हूं। तो आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सभी सब्जेक्ट के आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेक्शन मिल जाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9th, 10th, 11th, 12th पूरे के आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं, मैथ्स का आज बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को साइंस का और हिंदी का अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल के आप लोग देख सकते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है वैसे यहाँ पर भी लिया रहेगा, बस थोड़ा से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का, ठीक है। एक ये पहला क्वेश्चन है आप लोग का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द 5 and 10 विल बी 20। यहाँ पे देखिए सबका आंसर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका, 21 टर्म ऑफ द सीरीज 16, 11, 6 विल बी -84। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। थर्ड है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन 80 डिग्री बाई कॉस 10 डिग्री विल बी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हैं और मैं सभी क्वेश्चन लिखा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। देखिए, द मल्टीपल ऑफ 2x + 5 and 3x - 2 इज 6x² + 11x - 10। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पे इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3, -5 लाई, ठीक है। तो ये होगा थर्ड में, किसमें लाई करता है, थर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये आपके जिस चैप्टर से 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स से जिस चैप्टर का आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट है आप लोग का, द वैल्यू ऑफ 1 - sin² θ इज cos² θ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर क्या होता है, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका फिलअप्स पूरा यहाँ पे आपका दे दिया गया, आंसर भी दे दिया गया। आप सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर कर लें। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपके एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स छोड़ के, फिलअप मैचिंग ये छोड़ के, जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, वो कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखिए x² + 2x - 3 and x² + x - 2 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दोनों को आपको क्या करना है, इंटू करना है, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो पहले x² का x² के साथ कर लेंगे, फिर x² का x के साथ करेंगे, फिर x² का 2 के साथ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद 2x का आप लोगों को तीनों के साथ करना है, फिर -3 का तीनों के साथ करना है, फिर इंटू करके आपको आंसर लाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मात्र प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सभी क्वेश्चन को लगाना है, आपका नहीं बनेगा तो यहाँ से देख कर बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द रिमाइंडर ऑफ डिविजन डिवाइडिंग। यहाँ पे ये 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से डिवाइड करना है, तो 2x - 1 से इसके अंदर लिख दिए, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले इसका रूल मैं ये समझता हूँ कि ऐसे पता करते हैं। देखिए हम लोगों को पहले क्या लाना है, 6x² लाना है। यहाँ पे मेरे पास 2x है तो मैं 2x में 3x का इंटू कर दूंगा, तो 3 × 2 = 6 तो आ गया, और एक्स और एक्स का इंटू करूंगा तो x² आ गया। फिर -1 का 3x में फिर से करूंगा तो -1 का 3x में करूंगा तो -3x ही आएगा। फिर यहाँ पे मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ, साइन चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे प्लस और माइनस था तो माइनस कर दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। जी एक्स
पी एक्स का फैक्टर है। तो आप लोग को सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जी एक्स आप लोग का ये दिया हुआ है, पी एक्स आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। यहाँ पे एक्स प्लस वन दिया हुआ था, एक्स प्लस वन दिया हुआ था, तो एक्स प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस वन पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोगों का। जी वाई प्लस फाइव देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव, और जहां जहां वाई है वहां पे आपको पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे फैक्टराइज लिखा हुआ है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको जो बीच के फैक्टर है उसको टू पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इससे आपका ये इजिली बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, प्रूव दैट अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना, या तो एलएचएस लो आप लोग, एलएचएस लो और आरएचएस प्रूफ करके दिखाओ, या फिर आरएचएस लो और एलएचएस प्रूफ करके दिखाओ, आप कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन साइन 31, ठीक है, साइन 31 डिग्री टू कॉस 59। यहाँ पे आपका वो फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसका फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये जो आपके पॉइंट दिया है इसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, इस टाइप का आपको फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे पी माइनस थ्री टू और माइनस थ्री क्यू फाइव और सेवन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड पॉइंट माइनस 43। तो इस तरह से आप उसके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, ठीक है, 2, 4, 6, ये सभी आप लोग का इवन नंबर है, आप लोग को 20 तक लेना है और सभी नंबर्स को प्लस करना है। और आपको देखिए कितने डिजिट है, 10 डिजिट है, नीचे 10 से डिवाइड कर देना, आगे आंसर। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन फाइंड करना है आप लोग का। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, अगर इवन हो सॉरी ऑड हो तो वन एन प्लस वन अपॉन टू होता है, और इवन हो तो आपका इवन का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 3 एंड माइनस 8, जिसके रूट 3 और माइनस 8 है, तो उसके आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दोनों आपको निकालना है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, इन टू, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 3 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्टराइज द पॉलीनोमियल, इसको वही माइनस 19x को ब्रेक करना है आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का देखिए, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल एक्स एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, बी इज इक्वल टू 3x डिग्री एंड सी इज इक्वल टू वाई डिग्री, इफ 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू 30, तो प्रूव करो आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से आपके उसके इसके सॉल्यूशन अच्छे से देखकर आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सभी को अगर आप एक बार लिख भी लेते हैं तो आपको ये पूरे फॉर्मूले और क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो आप लोग लेट कर लेंगे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के, ए के वैल्यू निकाल लेंगे और सी का वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल एंड स्पेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब हैविंग ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जिसके ईच साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आप लोग उसके फॉर्मूला ए रूट टू लगा देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, क्यूबॉइडिकल ऑफ लेंथ 8 मीटर ब्रेथ 4 मीटर हाइट 2 मीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ऑल द डायगोनल, तो यहाँ पे आपका डायगोनल कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे,
फाइंड द 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही जो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ डाटा सीरीज, ये सीरीज आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इसको अरेंज करना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने आ जाती है सभी घबरा जाते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं है, यहां से अच्छे से पूरे क्वेश्चंस देखकर बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इन केजी आर गिवन बिलो, ये वेट दिया हुआ है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग जमा लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में आप लोग पुट करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यहाँ पे देखिए पैरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88, पैरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दे दिया है, तो सबसे पहले आप लोग पैरीमीटर का ही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने वाले हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr इज इक्वल टू 88, 2 और पाई के वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप लोग पुट करके ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज ग्रेडियंट इज 7/3 एंड व्हिच पास थ्रॉट अ पॉइंट ए। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पे है, आप लोग अच्छे से देखकर बना सकते हैं। ठीक है, 27 नंबर यहां पे क्वेश्चन है, देखिए ठीक है सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बोल रहे हो इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों है, तो आप भी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और ये प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन का आप कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, और जो भी स्टूडेंट लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए रिविजन हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग रिविजन भी करें, वीडियो को पूरा देख कर पूरा क्वेश्चन लगा लें, ठीक है, आपका मैथ्स का रिविजन पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अप टू डेट जो भी आपका बोर्ड से रिलेटेड हो जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180, इसको प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चंस को देखकर अच्छे से करना है। 31 नंबर क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh+r। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इतना, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर सबसे पहले पुट करेंगे, क्योंकि वहां से आपके आंसर आने की संभावना रहेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लगा दिए, ये फॉर्मूला अगर आप याद है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन सभी करने हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को एटलीस्ट यहाँ पे कर लेंगे, तुरंत तुरंत प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे डाटा से आएगा, डाटा ऑफ वेट ऑफ द यंग एंड ओल्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज गिवेन बिलो, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ पर चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट, मिड और माइनस पॉइंट वाला है, यहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अच्छे से 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाले यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इन सभी को कर लें। देखिए यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं CISI से। ठीक है, तो आप लोग 5 नंबर में 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन को देख कर अच्छे से कर लें, मैं पूरे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखकर यहाँ से वीडियो पॉज कर करके बनाते जाएं। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, ये 41 पेजेस तक है, मैं आपको जितने दिखा रहा हूँ आप लोग उतने कर लें। ठीक है, ये पूरे आपको कंस्ट्रक्शन का तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे से, तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये देखिए ये पूरे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से करेंगे सभी क्वेश्चंस को। ये देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के फिर से आ गए, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग पूरे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है,
आगे के अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी स्टूडेंट है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे के वीडियो जो भी होंगे वो आप लोग जरूर देखें प्रैक्टिस सेट।